बता कि शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने फागू में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से झूठी बातों में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल अपनी सभाओं में क्या कहते हैं यह ना उन्हें समझ आता है, ना किराए पर लाई गई भीड़ को समझ आता है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने अपने पक्ष में जनता से मतदान की भी अपील की। साथ ही आपसे मुझे सीधा सीधा निवेदन भी करना है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद कमल के फूल के लिए मुझे चाहिए। अभी जैसा विजय ज्योति सेन जी भी कह रही थी, ये हमारे पास मात्र 3 दिन का समय बचा है और मैं समझता हूं जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हमने हर बूथ के ऊपर डोर टू डोर कर लिया होगा। हो गया जी डोर टू डोर सभी बूथों के ऊपर, कोई बूथ छूटा तो नहीं है, पक्की बात है। तो अभी हमारे पास 3 दिन का समय है और इन 3 दिनों में हम फिर से डोर टू डोर करेंगे, घर घर तक जाएंगे, मोदी जी की अपील को पहुंचाएंगे और जो पर्ची अभी देनी है उसको भी हम घर तक घर घर तक पहुंचाएंगे।